एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल रियल पंजाब टेस्ट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करेले की रेसिपी, ग्रेवी करेला। बहुत ही अलग तरीके से बनेगी करेले की रेसिपी और बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है इसे बनाने का। और इस तरीके से बनाने से करेले काफ़ी स्वादिष्ट बनते हैं। और रेसिपी बनाने के लिए जो जो चीज़ें मैंने ली हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 करेले लिए हैं, जिसको मैंने हल्का सा छील लिया है और वॉश करके रख लिया है। आप चाहें तो इसको छीलने से बगैर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा करेले की कोई भी डिश बनाती हूँ तो थोड़ा इसे छील लेती हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल इसकी प्यूरी बना ली है। 2 मैंने टमाटर लिए हैं, इसकी भी मैंने प्यूरी बना ली है। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन लिया है, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो क्रश भी कर सकते हैं या फिर इसका पेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम अब रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, अब मैं इसमें डालूँगी पानी। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच के करीब नमक। अब जो मैंने करेले लिए हैं, हम ये करेले इस पानी में डाल देंगे। इसको हमें लगभग 4 मिनट के करीब इसी तरीके से बॉईल करना है। इसको पूरा बॉईल नहीं करना है, 4 मिनट के करीब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और जो नमक लिया है मैंने उससे इसका कड़वापन सारा निकल जाएगा, तो हमारे करेले जो हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरीके से। तो एक बार इसको थोड़ा हल्का हम 4 मिनट के लिए उबाल लेंगे। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, अब इसको 4 मिनट उबालने के बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। याद रखिएगा कि करेले में पानी इतना होना चाहिए कि करेले अच्छे से डिप हो जाएं, इससे कम पानी नहीं होना चाहिए ना इससे ज़्यादा पानी होना चाहिए, और इतना पानी होना चाहिए कि करेले, ये देखिए अच्छे से डिप हो रहे हैं, बस इतना ही पानी हमें इसमें यूज़ करना है। अब हम इसे 4 मिनट तक इसी तरीके से बॉईल करते हैं। रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी से बनती है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसको उबाल लेते हैं। 5 मिनट के करीब हो गए हैं, देखिए जो करेले हैं उनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, बस हमें इतना ही इसको उबालना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने सारे करेले निकाल लिए हैं, देखिए इसका थोड़ा थोड़ा कलर जो है वो येलो कलर हो गया है। इससे ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना, बस 5 मिनट इसको मैंने बॉईल किया है। अब हम इन करेलों को कट करेंगे। अभी करेले काफ़ी गर्म है, आप चाहें तो इसे थोड़ा ठंडा करके भी कट कर सकते हैं। वैसे भी हम इसे आराम से इस तरीके से कट कर सकते हैं, क्योंकि ये हल्का सॉफ्ट हो गया है तो इसे काट करने में ज़्यादा हमें देर नहीं लगेगी, तो हम इसे आसानी से इस तरीके से कट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम थोड़े थोड़े मोटे मोटे पीसेस इसके कट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने सारे कट कर लिए हैं, एक मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ इस तरीके से। ना तो ये ज़्यादा मैंने बारीक पतले रखे हैं, ना ज़्यादा मोटे रखे हैं, इस तरीके के मैंने यहाँ पर सारे पीसेस जो हैं वो कट कर लिए हैं। अगर आपको इसके बीज पसंद है तो आप रख सकते हैं, वरना इसे स्किप कर दीजिए। मैं इसमें जो मोटे मोटे बीज हैं उसको स्किप कर दूंगी, क्योंकि मुझे बीज जो हैं वो ज़्यादा पसंद नहीं है। यहाँ पे मैंने जो मोटे मोटे बीज हैं वो निकाल दिए हैं, कुछ बीज मैंने इसमें रख लिए हैं, कुछ बीज इसके मैंने जो हैं वो निकाल दिए हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके के मैंने मोटे मोटे पीस किए हैं, और अब हम इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ले लिया है पैन, इसमें मैं डालूँगी ऑयल, थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें जो हमने पीसेस कट किए हैं करेले के उसको फ्राई करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, हम इसमें सारे पीसेस डाल देंगे करेले के। और इसको हल्का फ्राई करेंगे।
धीरे धीरे चला करके हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के करीब इसको फ्राई करने में लगेंगे, इतना ही इसको फ्राई करना है। इसी तरीके से चलाते रहिए और इसको अल्ट पल्ट करते हुए हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही इसको हमें फ्राई करना है ताकि इसमें जो पानी जॉब हुआ है वो निकल जाएगा और अच्छे से थोड़े से फ्राई हो जाएंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा, इसलिए हमें इसको थोड़ा फ्राई करना है। 2 मिनट के करीब हो गया, देखिए करेले जो है ना वो थोड़ा सा कलर उनका चेंज हो गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, 2 मिनट में मैंने इसको पलट के जिस इस तरीके का कर लिया है तो इतना ही हमें इसे पकाना है। ये अच्छे से सॉफ्ट है, अभी कड़क नहीं हुआ है, इसको कड़क नहीं करना है, क्रिस्पी नहीं करना है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है टेस्ट में। तो हम इस तरीके से थोड़े से इसको सॉफ्ट रखेंगे। ये देखिए हमने सारे करेले जो हैं वो निकाल लिए हैं। अब हम सेम पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं डालूँगी 1 पिंच के करीब हींग। और थोड़ा सा इसमें जीरा ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच के करीब। जितनी आप सब्ज़ी बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग चीज़ जो भी डालना है उसी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हींग अगर आपको पसंद नहीं है तो उसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन जो मैंने चॉप कर लिया था, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया था। चॉप करने से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, आपको अगर टेस्ट डालना है तो टेस्ट भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं गोल्डन होने तक। ये देखिए अच्छे से भुन गया है, गोल्डन गोल्डन कलर हो गया है, दोनों चीज़ें अच्छे से जो हैं वो भुन गई हैं। तो अब इसमें मैं डालूँगी प्याज की, जो मैंने प्याज ग्राइंड किया था वो डालूँगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हमें इसको अच्छे से भूनना है, जब तक ये अच्छे से डार्क गोल्डन नहीं होता तब तक इसे भूनना है। अगर प्याज कच्चा रह जाता है तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है हमारी सब्ज़ी का, इसलिए हमें प्याज को अच्छे से भूनना है। अब मैं इसको बिल्कुल गोल्डन कर लूँगी। प्याज का कलर देखिए कितना चेंज हो गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते जाएंगे और साथ साथ में इसको जो है भूनते जाएंगे। तो सबसे मैं पहले यहाँ पे डालूँगी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। हल्का सा डाल रही हूँ और इसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी हल्दी। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1/2 चम्मच, मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर, ये भी छोटी सी 1/2 चम्मच ही डालेंगे क्योंकि सब्जी थोड़ी सी बना रही हूँ तो उसी के अकॉर्डिंग डालेंगे। वैसे आपको जितना तीखा पसंद हो उसी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। प्याज बिल्कुल अच्छे से भून गया है, इसने बिल्कुल पैन को छोड़ दिया है।
अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद हम साथ में डालेंगे सॉल्ट, स्वाद अनुसार सॉल्ट डालेंगे। यहाँ पे आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ, क्योंकि हमने थोड़ा सा जब उसको बॉईल किया था करेले को तब भी डाला था, तो थोड़ा बहुत असर चला जाता है, तो ज़्यादा ना हो इसलिए हमें हल्का ही नमक ऐड करना है। अब मैं इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जब तक हमारा मसाला ऑयल नहीं छोड़ता है तब तक इसे इसी तरीके से भूनना है। मसाला अच्छे से भून गया, बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया मसाले ने, तो अब इसमें ऐड करेंगे हम करेले। करेले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे। इसको इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करना है। एक मिनट के करीब इसी तरीके से हम इसे चला के छोड़ देंगे मसाले में, जिससे अच्छे से मसाला इसमें मिक्स हो जाए। इस तरीके से मैंने इसको देखते इस तरीके से चला कर छोड़ दिया है। आप इसको दो मिनट के करीब इसी तरीके से छोड़ सकते हैं, बीच बीच में आप इसे चलाते रहिए ताकि ये जले ना, और इसको इसी तरीके से रहें इसके अंदर जो मसाला है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तब तक हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। इसको दो मिनट के करीब हो गया, देखिए मैंने इसे भुना है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी, जी आप स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं हल्की सी चीनी डाल रही हूँ। लगभग आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड की है, इससे थोड़ा सा मीठापन आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चीनी ऐड करके हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी में यहाँ पर थोड़ा सा डाला पहले, इसके बाद मैं इस तरीके से चला दूँगी और फिर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। लगभग दो बड़े चम्मच के करीब मैंने पानी जो है वो ऐड कर दिया है। इसको अब इस तरीके से मैंने छोड़ दिया है, थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने एक चम्मच पानी और ऐड किया है। अब पानी करने के बाद हम इस तरीके से इसको चला देते हैं। तो बस इतना सा इसका चला करके हम बस इसको अब 5 सेकंड के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं, हल्का से इसमें पानी जो है इसका कच्चापन ना रहे। और बस हमारे ग्रेवी वाले करेले रेडी हैं। बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। तो करेले की सब्ज़ी हो गई है रेडी, ग्रेवी वाले करेले देखिए कितनी टेस्टी बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में भी, देखिए कितनी अमेजिंग लगती है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम इसको अब सर्व करते हैं। बहुत ही अच्छा टेक्सचर, बहुत ही टेस्टी यम्मी बनी है, बिल्कुल भी इसमें कड़वापन नहीं है। तो देखिए सब्ज़ी बहुत ही लाजवाब बनी है, आप इसको पराठे, रोटी या बच्चों के टिफ़न बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है, देखिए देखने में कितनी प्यारी लग रही है, और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी। थैंक यू।